वेलकम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स आई एम मोहम्मद रफात खान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अच्छा इस चैप्टर का यानी कि इलेक्ट्रो मैगनेटिज़म का हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक समझा था पढ़ा था दैट वॉज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर हो और अगर उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो और उस कंडक्टर को उठाकर आप फील्ड में रख दें मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होती है है ना तो उस पूरे टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया था फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए यह हमने डिराइव किया था क्या फॉर्मूला था आई एल बी साइन थीटा है ना आई एल बी साइन थीटा सॉरी ये बी हमारे पास कैपिटल था बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड था आई एल बी साइन थीटा। हमने फॉमूला ड्राइव किया था प्लस हमने उस कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई होती है मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होती है वो किस तरफ होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वो डायरेक्शन को भी सीखा था तो मैं उन व्यूवर्स को उन स्टूडेंट्स को यह कहूँगा कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा हुआ मतलब फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर अगर ये वाला टॉपिक नहीं समझा हुआ तो आपको आज ये वाले टॉपिक समझने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि इस टॉपिक में इसी का रोल प्ले होगा इसी टॉपिक का रोल प्ले होगा इवन ये फॉर्मुला भी हम यूज करेंगे यहां पर और प्लस ये जो हमने यहां पर इस वाले टॉपिक में डायरेक्शन को सीखा था डायरेक्शन को पढ़ा था वो डायरेक्शन वाला पार्ट भी हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो यही टॉपिक जब आप यहां पर अप्लाई करोगे तो आपको टॉर्क की कहानी समझ आएगी तो जो आज का टॉपिक है दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग या तो सिर्फ कॉयल भी लिखा होता है ठीक है या फिर रेक्टेंगुलर कॉल पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इस टॉपिक के मुताबिक आपके पास फील्ड होगी और उस फील्ड में आप रखेंगे एक कॉल को कॉयल की शेप क्या होगी रेक्टेंगुलर होगी और उस रेक्टेंगुलर कॉयल में क्या फ्लो कर रहा होगा क्या कैरी करेगा वो वो करंट को कैरी करेगा और जैसे ही आप कॉयल को रख दोगे फील्ड में तो उस कॉल में जनरेट होगा प्रोड्यूस होगा टॉर्क ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर अच्छा एक चीज और टॉर्क के हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं वो दोनों फार्मूला में आपके सामने लिखता हूं देखो समाइम अच्छा ड्राइव करेंगे अभी आगे मैं अभी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूं आई बी ए एन एक होता है साइन थीटा ठीक है और एक और टॉर्क का फॉर्मूला होता है एंड दैट इज आई बी ए एन एंड कॉस एल्फा ये दो फॉर्मूला होता है मतलब ये देखो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है साइन थीटा का और कॉस थीटा का तो मैं आपको ये दोनों डेरिवेशन करवाऊंगा मतलब एक डेरिवेशन में आपको साइन थीटा वाली करवाऊंगा इस वाले फॉर्मले की और एक डेरिवेशन में आपको कॉस्ट थीटा वाली करवाऊंगा इस वाले फॉर्मुले की और फिर आपने क्या करना होगा आपके कोर्स के मुताबिक आपके सिलेबस के मुताबिक जो डेरिवेशन रिक्वायर्ड हो जो जरूरी हो आपने वो डेरिवेशन कर लेनी है ठीक है मैं आपको समझाऊंगा दोनों इवन दोनों की डायरिवेशन करवाऊंगा और दोनों फार्मूला के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा कि यहां पर साइन थीटा का मतलब क्या है और यहां पर कॉस्ट थीटा का मतलब क्या है ठीक है तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ये रही हमारे पास आज की टॉपिक की डायग्राम इस डायग्राम में चेक करते हैं क्या जो हमें रिक्वायरमेंट थी हेडिंग के मुताबिक क्या वो हमारे पास पूरी हो रही है या नहीं सबसे पहले देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल इन मैग्नेट्स की वजह से इस रीजन में ये बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको डॉटेड लाइन से शो करवाई है और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है ना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये देखो एरोज बने हुए सारे के सारे ये किसको शो कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है ये सारे का सारे बी को शो कर रहे हैं फील्ड को शो कर रहे हैं अच्छा इसके बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल नजर आ रही है मतलब हमारे पास एक कॉइल है किस किस शेप में हमारे पास कॉइल की शेप मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है और इस कॉइल के हमारे पास ये रहे दो एंड्स इन दोनों एंड्स को हम किसी सोर्स यानी कि ई एम एफ सोर्स के साथ पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि इस कॉइल में फ्लो करे करंट क्योंकि हमें सिर्फ कॉइल नहीं चाहिए हमें करंट कैरिंग कॉइल चाहिए जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो वरना आप कॉइल को रख दें इसमें कोई करंट फ्लो ना करे तो आप सिर्फ देखते रहिएगा कुछ भी नहीं होने वाला तो अगर आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं अगर आप टॉर्क को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कुछ का मतलब यहां पर क्या है टॉर्क को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको इस क्वाल में करंट फ्लो करवाना होगा इसी वजह से हेडिंग में लिखा हुआ है करंट कैरिंग क्वाल तो भाई ऐसा करने के लिए हम इन दोनों एंड्स को किसी भी बैटरी के साथ सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें फ्लो करेगा करंट अच्छा करंट फ्लो करने का तरीका आपको पता होना चाहिए करंट हमेशा जो है वो एक साइड से एंटर होता है और वो सर्किट को कंप्लीट करने के बाद दूसरे टर्मिनल पे जाके खत्म हो जाता है ये बात आपको पता होगी लेट सपोज मैं बना के दिखा देता हूं हमारे पास ये बैटरी है बैटरी को हमने कनेक्ट किया किसी भी रेजिस्टर के साथ और हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया करंट स्टार्ट होता है एक टर्मिनल से और वो फ्लो करता हुआ यानी कि आए फ्लो करता हुआ जा रहा होता है और वो जाके दूसरे टर्मिनल पर एंड हो जाता है फ्रॉम फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये करंट फ्लो कर रहा होता है और जहर सी बात है ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल कहते हैं इसका ऑपोजिट इलेक्ट्रॉनिक होता है हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे ये मैं आपको बता चुका हूं बात ठीक है फिलहाल करंट एक तरफ से एंटर होता है दूसरी तरफ जाके खत्म हो जाता है तो देखें एक साइड से करंट एंटर होगा वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद पूरी कोयल में घूमने के बाद वापस दूसरे टर्मिनल पे जाके खत्म हो जाएगा तो एक काम ही करते हैं यहां पर करंट की डायरेक्शन बना देते हैं ये देखें ये करंट लेट सपोज आपकी मर्जी आप कहीं पर बनाते हैं एक तरफ से एंटर हो रहा है ये देखें ये एक तरफ से एंटर हो रहा है ये फ्लो करता हुआ जा रहा है ये फ्लो करता हुआ जा रहा है लाइक दिस और दूसरी साइड पर जाकर ये एंड हो जाएगा नजर आ गया मतलब हमने ये इमेजिन किया कि इस साइड से करंट आ रहा है और ये ऐसे फ्लो करता हुआ फ्लो करता हुआ फ्लो करता हुआ दूसरे टर्मिनल पर जाके खत्म हो गया यानी कि ये ये जो ब्लैक एरो बनाया मैंने ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है है करंट को को ये जो ब्लैक एरो बना हुआ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आय को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है इसका मतलब हमारे पास इस कॉल में इस रेक्टेंगुलर कॉयल में अब करंट फ्लो कर रहा है अब एक काम यह करते हैं हम इस कॉल के चार साइड को डिस्कस करते हैं क्योंकि रेक्टेंगुल में चार साइड होती है ये देखो एक साइड ये रही दूसरी साइड ये रही तीसरी साइड ये रही और फोर्थ साइड ये आर फोर रेक्टेंगुलर कॉल तो मैं करते हैं, इन को लेबलिंग कर देते हैं मतलब कुछ पॉइंट बना देते हैं ताकि आप पी क्यू आर एस टी यूज कर लें आप ले। या आपकी मर्जी है, आप w, X, y, कर बस आप इसको नाम दे दो लेबलिंग कर दो तो लेट सपोज यहां पर लेबलिंग कर देता हूं डब्ल्यू इस वाले कॉर्नर का नाम मैंने रख दिया डब्ल्यू इस वाले कॉर्नर का नाम रख दिया मैंने एक्स डब्ल्यू एक्स यानी कि ये वाला जो साइड है अब इसको मैं कॉल करूंगा किस नाम से डब्ल्यू एक्स के नाम से ओके एक्स के बाद यह आ गया वाई X के बाद ये आ गया Y, ये वाला साइड हो गया कौन एक्स वाई वाई के बाद ये वाला साइड आ वाई जैड इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे वाई जेड और इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे डब्ल्यू जैड तो भाई साइड्स के नाम से याद रखिएगा क्योंकि साइड्स के नेम यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट है हाँ भाई हाउ मेनी साइड्स आर देयर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल तो आप बोलेंगे सर देयर आर फोर साइड्स अगर मैं कहूं बताओ डब्ल्यू एक्स क्या है तो आप बोलेंगे सर डब्ल्यू एक्स ये रहा अब एक काम ही करता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैंने आपके लिए एक कॉइल रेडी करके रखी हुई है भाई ये देखें ये रही हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल ठीक है ये बाकायदा वायर की बनी हुई है ये एक्चुअल वायर है मैंने इसको कट करके और इसको रेक्टेंगुलर शेप शेप में लेकर आ गया ठीक है हम इसको इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं ऐसे कनेक्ट करते हैं और फिर ये बेसिकली ये इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया इसको छोड़ देना बस ये रैक्टेंगुल है ये ऐसे फिर रोटेट कर रही होती है ठीक है खैर फ़िलहाल चलें चलें इसको मैच करने की कोशिश करते हैं ये वही बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कॉइल नजर आ रही है मुझे बताओ ये वाला जो साइड है इस साइड को हमने क्या नाम दिया है आप बोलेंगे हाँ तो आप बोलेंगे बोलूंगा आपको बताओ ये जो नीचे वाली साइड है इसका नाम क्या है तो आप बोलेंगे सर इस वाले का नाम है वाई जेड ठीक है ये रहा वाई जेड फिर मैं कहूंगा ये वाला जो साइड क्या नाम दिया हुआ है तो आप बोलेंगे सर एक्स जेड सॉरी डब्ल्यू जेड डब्ल्यू जेड तो भाई आपके सामने रेक्टेंगुलर प्रैक्टिकल कॉइल आ गई है मैग्नेट्स नहीं है उसको छोड़ देना खाली मैंने आपको कॉल बना के दिखा दी कि आपके पास प्रैक्टिकल कॉइल है अच्छा अब अगर नोट करें वही वाली बात जो मैंने आपको बताई फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर की इन चारों कंडक्टर लेट सपोज मैं कहूंगा ये कंडक्टर है ये भी एक कंडक्टर है ये भी एक कंडक्टर है ये भी एक कंडक्टर है और ये चारों के चारों कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है इस वाली साइड में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे इस तरफ ये देखो उस तरफ फ्लो कर रहा है इस वाले साइड पर फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ नीचे की तरफ इस वाली साइड में करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट इस वाली साइड में करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड यानी कि इस 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 और इस इन चारों साइड्स में करंट फ्लो कर रहा है तो मैं कहूंगा करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर और ये भी क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ये चारों के चारों क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है अच्छा अब रिकॉल करें इसके पहले वाला टॉपिक मैं आपको इसी वजह से कह रहा हूं कि इस टॉपिक में सारा खेली उसी टॉपिक का है किस कौन से टॉपिक का फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस डि मैग्नेटिक फील्ड अब ये चारों कंडक्टर्स फील्ड में रखे हुए मतलब स्क्वाइल को उठाकर मैं फील्ड में रख देता हूं ठीक है अब हम ये नोट करते हैं कि इन चार कंडक्टर्स में से कौन कौन से कंडक्टर्स पर फोर्स लग रही है और कौन से कंडक्टर्स पर फोर्स नहीं लग रही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले कंडक्टर से ठीक है हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कंडक्टर फील्ड के पैरल या एंटी पैरल यानी कि फील्ड के अलोंग रखा हुआ होगा तो उस कंडक्टर पर कभी भी फोर्स नहीं लगेगी देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर फॉर्म लिखवाया था ना आपको क्या लिखाया था एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ठीटावल टू आई एल बी एन साइन आपको पता है ना यहां पर साइन थीटा का फंक्शन आ रहा है थीटा का मतलब अलोंग जब भी अलोंग और पैरल की कंडीशन आएगी उस कंडीशन में एफ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि अलोंग पैरल में साइन फंक्शन जीरो हो जाता है और जब भी कंडीशन आएगी परपेंडिकुलर की यानी कि 90 डिग्री की तो हमेशा वाली कंडीशन क्या हो जाएगी मैक्सिमम अब आप नोट करें डब्ल्यू uh, एक्स वाला साइड ये वाला साइड ये वाला जो कंडक्टर है ये देखो ये कंडक्टर जो है ये कंडक्टर फील्ड के फील्ड ऐसे जा रही है फील्ड ऐसे जा रही है ये कंडक्टर फील्ड के अलोंग रखा हुआ है फील्ड ऐसे जा रही है और ये कंडक्टर ऐसे along, parallel, रखा हुआ है अलोंग पैरल पैरल रखा हुआ है इसका मतलब इस वाले कंडक्टर पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो मैं कहूंगा कि इस डब्ल्यू एक्स वाले साइड में भले से करंट फ्लो कर रहा है लेकिन क्योंकि ये रखा रखा हुआ हुआ है है फील्ड के रखा हुआ है, तो इस वाले कंडक्टर पर कोई फोर्स नहीं लगेगी कौन सी साइड पर फोर्स नहीं लग रही आप बोलेंगे सर डब्ल्यू एक्स वाली साइड पर फोर्स नहीं लग रही और बताएं इन तीनों में से वो कौन सी साइड है जिस पर फोर्स नहीं लगनी चाहिए तो आप बोलेंगे सर एक कंडक्टर हमें और भी पैरल नजर आ रहा है और वो कौन सा वाला है ये वाला कौन सा वाला वायजैड वाला तो भाई वायज एड वाला कंडक्टर जो है ये वाले जो कंडक्टर है ये भी फील्ड के पैरल रखा हुआ है ये देखो ये फील्ड के ऐसे रखा हुआ है फील्ड ऐसे जा रही है और ये कंडक्टर ऐसे है तो मैं कहूंगा इसमें भी भले करंट फ्लो कर रहा हो लेकिन ये ये भी फील्ड के पैरल है तो इस वाले साइड पर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो अब अगर मैं आपसे पूछू वहां पर बताओ हाउ मैनी कंडक्टर्स हाउ मैनी साइड आर देयर जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो आप बोलेंगे देयर आर सर टू साइड्स आर टू कंडक्टर्स देर आर टू साइड्स जिन पर फोर्स जीरो है और वो साइड्स कौन कौन सी हैं डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड क्यों इन पर फोर्स क्यों नहीं लग रही बिकॉज ये कंडक्टर्स फील्ड के पैरल रखे हुए हैं यहां तक बात क्लियर है चलो भाई चार में से दो तो यहां से हटा दें आप अब इन दो की हम डिस्कशन करेंगे ही नहीं क्योंकि इन पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही बाकी दो को डिस्कस करें ये देखो एक्स वाई क्या एक्स वाई वाला भी फील्ड के पैरल रखा हुआ है नहीं ये देखो ये वाला कंडक्टर ये XY वाला ये ऐसे, ये, ऐसे, ये वाला वाला ऐसे ऐसे है है ना क्या भी फील्ड के आप बोलेंगे नहीं सर फील्ड तो यू है और ये कंडक्टर ऐसे रखा ये ये कंडीशन आप बोलेंगे एक्स वाई इट इट मतलब वाला जो साइड है ये फील्ड के परपेंडिकुलर है मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगी दूसरा डब्ल्यू जेड वाला ये कंडक्टर देखो ये कंडक्टर नजर आ रहा है ये वाला कंडक्टर इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड ये कंडक्टर हाँ भाई क्या ये भी पैरल है तो आप बोलेंगे नहीं सर फील्ड है लेफ्ट टू राइट और ये रखा हुआ है ऐसे तो इसका मतलब ये वाला कंडक्टर भी कौन सा वाला भी डब्ल्यू जेड वाला कंडक्टर यानी कि साइड भी फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जनाब हमें यहां से पता चला कि इन चार एक दो तीन चार इन चार साइड्स में से दो साइड्स पर फोर्स नहीं लगेगी वो जो कि पैरल है और दो साइड्स पर फोर्स मैक्सिमम लगेगी वो जो कि परपेंडिकुलर है समझ आई बात तो काम ही करते हैं इन पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं ये रहे वो दो पॉइंट्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए क्या लिखा हुआ है साइड्स डब्ल्यू एक्स एंड वाईजैड डब्ल्यू एक्स एंड वाई जैड आर पैरल टू द फील्ड हेंस दीज साइड्स विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स इन दोनों साइड्स पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी पैरल होने की वजह से अच्छा इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है हमने परपेंडिकुलर वाले साइड्स क्या लिखा हुआ है साइड्स साइड्स एंड एंड आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड हेंस दी विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स तो भाई दो साइड्स पर फोर्स मैक्सिमम है जो परपेंडिकुलर है और दो साइड्स पर फोर्स जीरो है क्योंकि वो पैरेलल है चलें अब फोर्स तो डिस्कस कर लिया हमने मैक्सिमम वाली और मिनिमम वाली अभी डिस्कस करते हैं कि इन दोनों साइड्स पर जिस पर फोर्स लग रही है उन फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए तो देखो मैंने यहां पर ऑलरेडी जो है वो सेंटेंसेस लिख दी है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन साइड एक्स वाई मतलब इस वाली साइड पर जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी इस वाली साइड पर यह देखें डब्ल्यू जेड डब्ल्यू जेड वाली साइड पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किस तरफ होगी तो जनाब ये तरीका मैं आपको इससे पहले वाली टॉपिक में समझा चुका हूं समझा चुके हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास राइट हैंड रूल होता है हाँ ना वहां डिटेल में मैंने आपको समझाया था तो मैं एक दफा और समझा देता हूं कि अगर मुझे इस वाली साइड पर डिस्कस करना हो तो आपने सिर्फ क्या करना होता है अपने हैंड को स्ट्रैच करो जिस डायरेक्शन में फील है जल्दी बताऊंगा अगर डिटेल में डिस्कस करना है प्रैक्टिस के साथ तो वो वीडियो देख लेना फिंगर्स को हमेशा फील की डायरेक्शन में रखना है और करंट की डायरेक्शन में हमेशा थम होगा और जिस तरफ आपका पाम यानी कि हथेली जिस तरफ करेगी, इसका मतलब फोर्स उस तरफ होगी तो सबसे सब पहले चेक करते हैं है, है, है? राइट वर्ड तो देखे मेरी फिंगर्स होनी चाहिए राइट देखो फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में इस वाले कंडक्टर में करंट है अपवर्ड तो थम कहा होगा करंट की डायरेक्शन में थम तो ये देखो फील्ड राइटवर्ड करंट अपवर्ड तो मेरा ये पाम ही शो कर रहा है ये किस तरफ है अंदर की तरफ है इसका मतलब इस वाली साइड पर जो फोर्स होगी वो होगी इन टू द प्लेन अंदर की तरफ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में थम और ये पाम जिस तरफ भी इशारा करे अगर यूं होता इसका मतलब फोर्स है अपवर्ड अगर यूं होता इसका मतलब है फोर्स है डाउनवर्ड अगर ये इस तरफ होता इसका मतलब फोर्स है आपकी तरफ आउट इस तरफ है तो इन टू द प्लेन तो भाई हमें एक बात पता है इन टू और आउट ऑफ के लिए हम यूज करते हैं या तो डॉट या फिर हम क्रॉस यूज करते हैं ये भी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं तो अगर आपको इन टू द प्लेन शो करना होता है तो आप बनाते हैं क्रॉस और अगर आपको आउट ऑफ द प्लेन शो करना होता है हा आप बनाते हैं डॉट इसका मतलब है इन टू द प्लेन इन टू द प्लेन और इसका मतलब क्या है आउट ऑफ द प्लेन क्या आउट ऑफ द प्लेन क्या इन टू द प्लेन फिलहाल हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं फोर्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब एक काम ही करता हूं मैं यहां पर एक क्रॉस बना देता हूं क्रॉस मतलब ऐसे करके और इसके साथ लगा देता हूं एफ ये आगे एफ की डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन तो इस वाली साइड पर जो फोर्स अप्लाई हो हो रही रही है है वो किस तरफ द प्लेन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इन टू द प्लेन तो मैंने क्रॉस बना दिया मतलब ये कंडक्टर फील करेगा इनवर्ड फोर्स इस वाली कंडक्टर अच्छा पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लें द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन साइड एक्स वाई इज इन टू द ब्लू से लिख रहा हूं इन टू द ठीक है अब करते हैं इस वाली साइड पर डब्ल्यूट वाली साइड पर हाँ भाई अभी भी फील्ड है लेकिन करंट इस बार डाउनवर्ड है डाउनवर्ड तो हाँ इस बार आपका पाम क्या शो कर रहा है पाम शो कर रहा है बाहर की तरफ आउट तो मैं कहूंगा इस वाली साइड पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कहां की तरफ हो रही है आउट ऑफ द प्लेन तो यहां पर बना देते हैं एक डॉट और डॉट के साथ एक सर्किल और सर्किल का मतलब ये जो डॉट है ये आपको शो कर रहा है कि यहां पर जो फोर्स है वो कहां की तरफ है भाई? प्लेन आउट ऑफ द प्लेन सेंटेंस को भी कंप्लीट कर देते हैं। तो प्लेन ठीक है चले अब मैं आपको वही मेरे पास जो प्रैक्टिकल कॉइल रखी हुई है जो मैंने आपके लिए बनाई है समझाने के लिए इसको डिस्कस करते हैं देखें लेट्स सपोज Uh, इन दो साइड्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अब क्योंकि इन पर कोई फोर्स नहीं है इस पर है फोर्स और इस पर फोर्स है देखो uh, इस वाली साइड पर इस वाली साइड का नाम क्या है एक्स वाई और फोर्स कहां की तरफ है तो आप बोलेंगे इन टू प्लेन यानी कि इस पर फोर्स लग रही है इन टू अंदर की तरफ लग रही है और इस वाली साइड पर फोर्स कहां लग रही है तो आप बोलेंगे इन इन टू इस तरफ कहां लग रही है डॉट लगा हुआ है मतलब कहां की तरफ आउट ऑफ द प्लेन अब देखिएगा अगर मैं ये दोनों फोर्सेस एक साथ अप्लाई करूं इस तरफ मैं करूं अंदर और इस तरफ मैं करूं बाहर अब आप चेक करिएगा मैं एक साथ दोनों फोर्सेस अप्लाई करता हूं ये देखें इन टू आउट ये वाली साइड का इन टू और ये वाली साइड का आउट एक साथ अप्लाई करता हूं ये देखो फोर्स दोनों साइड पर एक्ट कर रही है लाइक like दिस ऐसे इस फोर्स की वजह से ये इधर घूम रहा है इस फोर्स की वजह से बाहर की तरफ आ रहा है तो दोबारा देखें इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये कॉइल ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी ये देखें कॉयल ऐसे रोटेट करना स्टार्ट ऐसे करके दिखाऊं यह कॉयल ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी है ना और हमने एक बात पढ़ी है फर्स्ट ईयर में कि किसी भी फिक्स्ड ये ऐसे फिक्स्ड होता है ये ये कॉयल जो है ये ऐसे आगे पीछे नहीं जा सकती ऐसे नहीं जा सकती ये सिर्फ रोटेट कर सकती है ये सिर्फ रोटेट कर सकती है ऐसे ये बीच में होता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में ये ऐसे फिक्स होती है कॉइल ये सिर्फ रोटेट कर सकती है ये आगे नहीं जाएगी पीछे नहीं जाएगी ये सिर्फ रोटेट कर सकती है तो हमने फर्स्ट ईयर में एक बात पढ़ी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी पॉइंट से फिक्स हो और उस पर फोर्स अप्लाई करें और वो अगर वो घूम जाए रोटेट करना स्टार्ट कर जाए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं टॉर्क तो जनाब इस कॉइल पर दो फोर्सेस की वजह से दो फोर्सेस की वजह से क्योंकि ये रोटेट करना कर गई, स्टार्ट कर गई कॉइल घूमने स्टार्ट कर गई टॉर्क मतलब कॉइल तो मैं कहूंगा इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया तो आप बोलेंगे सर इसमें टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस हो गया किसकी वजह से इन दोनों फोर्सेस की वजह से तो ये दोनों फोर्सेस इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगी तो भाई अब जहां अगर हम हैडिंग पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग करंट फ्लो कर रहा है इस कॉयल में करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड आगे बात तो जब भी आप करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक uh, फील्ड में रखते हैं तो दो साइड पर ओपोजिट फोर्सेज की वजह से वो कॉइल घूमना स्टार्ट कर जाती है रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं टॉर्क प्रोड्यूस हो गया अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं ये जो दोनों फोर्सेज हैं इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है क्योंकि जितना करंट इस साइड पर उतना ही करंट उस साइड पर जितना फील्ड का मैग्नीट्यूड इस तरफ उतना ही फील्ड का मैग्नीट्यूड इस तरफ है ना हर चीज सेम है तो याद रखिएगा जितनी फोर्स इंटू द प्लेन इस साइड पर है उतनी ही फोर्स आउट ऑफ द प्लेन उस साइड पर है यानी कि अगर फाइव न्यूटन फोर्स इंटू द प्लेन लग रही है तो फाइव न्यूटन फोर्स आउट ऑफ द प्लेन लग रही है मतलब ये दोनों फोर्सेज बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है सिर्फ एक फर्क है वो क्या है डायरेक्शन का तो हमें एक बात पता है कि अगर किसी भी बॉडी पर सेम फोर्स अप्लाई हो रही हो और अगर ओपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो तो उन दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या हो जाता है जीरो तो मैं कहूंगा इस कॉइल पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है टोटल फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी कर रही है जीरो भाई आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी आपने फोर्सेस तो है यहां पर इस तरफ भी फोर्स है उस तरफ भी फोर्स है तो मेरी बात समझे दोबारा मैं आपको बता देता हूं इस बात का मतलब क्या है ये देखें मेरे पास एक बॉडी हो ये रही एक बॉडी मैंने बॉल बना दी इस बॉल पर एक फोर्स एक्ट कर रही है इस तरफ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है फाइव न्यूटन और एक फोर्स एक्ट कर रही है इस तरफ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है फाइव न्यूटन हां भाई दो फोर्सेस बात तो एक्ट कर रही है ऐसे मतलब बाजाहिर तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है लेकिन अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का टोटल निकालू नेट निकालू तो आप क्या बोलेंगे यहां पर नेट क्या आएगा आप बोलेंगे सर नेट फोर्स जीरो आ रही है ये वाली फाइव न्यूटन इस फाइव न्यूटन को कैंसिल कर देगी तो अगर एक ही बॉडी पर इक्वल यानी कि मैग्नीट्यूड सेम वाली फोर्सेस लग रही हो लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो तो उन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स कितना आ जाता है जीरो इसका मतलब के मुताबिक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इज जीरो मैक्सिमम नहीं करना हम नेट की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे इस साइड पर इंडिविजुअल मैक्सिमम फोर्स है इस साइड पर इंडिविजुअल मैक्सिमम फोर्स है लेकिन जब आप कलेक्टिवली बात करेंगे जब आप टोटल की बात करेंगे इन दोनों फोर्सेस का टोटल क्या हो जाएगा जीरो तो भाई कॉइल पर पूरी कॉइल पर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है तो आप क्या बोलेंगे सर नेट फोर्सेज जीरो तो इस पॉइंट को हम यहां पर लिख देते हैं यह समझ आ गई बात इन द प्लेन के लिए क्रॉस और आउट ऑफ द प्लेन के लिए डॉट आ जाता है मैं एक दफा चेक कर लू हां बिल्कुल ठीक है कैमरा चले भाई ये पॉइंट हम लिख देते हैं यहां पर क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इज जीरो बट लेकिन अब यहां पर सवाल पैदा ये होता है कि सर अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा नहीं नेट फोर्स जीरो है लेकिन इस जीरो नेट फोर्स का इफेक्ट यानी कि टॉर्क मौजूद है क्योंकि उसी वजह से कॉइल रोटेट कर रही है इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से कॉल रोटेट कर रही है तो भले से नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है टॉर्क क्वाल में होगा मतलब रोटेशन क्वाल में होगी तो जो चीज है वो है और जो चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वो चीज नहीं है तो नेट फोर्स इज जीरो बट द नेट टॉर्क इज नॉट जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो नेट टॉर्क ज नॉट जीरो मतलब आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं एफ मैं ब्लू से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए इस बात को मैं ऐसे लिख देते हैं कि एफ नेट ऑन द कॉइल इज जीरो ना नेट फोर्स तो जीरो है बट बट टॉर्क नेट टॉर्क यानी कि नेट टॉर्क जीरो के बराबर नहीं होगा ठीक है यहां तक बात क्लियर है इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं अब एक काम ही करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं टॉर्क की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हमें फॉर्मुला बनाना है दो फॉमूला बनाना है ठीक है तो अभी तक अगर मैं इस कॉइल को आपको ऐसे दिखाऊं ये जो डायग्राम में बनी हुई है तो आपको बेसिकली मैं ये व्यू दिखा रहा हूं ऐसे आपको पूरा फेस नजर आ रहा है कॉइल का ऐसे लेकिन अगर मैं इस कॉइल को यूं करके दिखाऊं ऐसे करके तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइड नजर आएगा ये वाला साइड ऊपर वाला फेस नजर आएगा फेस नहीं बल्कि ये वाला साइड नजर आएगा खाली बस तो अगर ऐसे दिखा रहा हूं तो ये डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है और अगर मैं आपको इसका ये वाला व्यू दिखाऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइड नजर आ रहा होगा ठीक है मतलब ये देखो अगर पहले मैं बना देता हूं जो मैं आपसे, जो मैंने आपसे अभी साइड की बात करी ये देखिएगा करिएगा वो साइड लाइक दिस ये बीच में इसका एक्सिज ऑपटेशन है ठीक है ये ये देखें ऐसे है इस वाली साइड पर फोर्स लग रही है इन वाली साइड पर लग रही है आउट मतलब ये घूम रहा है और अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो अब ये इन नहीं है अब ये ऊपर है अब यह कहा डाउनवर्ड है तो इसका मतलब अभी ये ऐसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा तो इस वाली साइड पर फोर्स कहां पर ऐसे दिखा रहा हूं तो इन है ऐसे दिखाऊंगा तो अपवर्ड है इस वाली साइड पर फोर्स आउट है और अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो नीचे की तरफ है तो मैं कहूंगा कि इस वाली साइड पर इस वाली साइड पर फोर्स क्योंकि कहां पर थी इन टू और अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो ये ऐसे की तरफ है तो ये देखें इस वाली साइड पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है डाउनवर्ड एफ वन इस वाली साइड पर जो फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है अपवर्ड यानी कि एफ या आ गया एफ टू

तो भाई फर्स्ट टॉर्क एफ वन की वजह से सेकेंड टॉर्क एफ टू की वजह से अब अगर मुझे टोटल टॉर्क फाइंड करना हो यानी कि नेट टॉर्क फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा इन दोनों टॉर्क को प्लस कर लूंगा तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूं स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है सो द नेट टॉर्क नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज गिवन बाय ठीक है अब नेट टॉर्क का हमारे पास फॉर्मुला क्या होना चाहिए आप बोलेंगे सर सीधा है आप दोनों टॉर्क्स को प्लस कर लें क्यों क्योंकि दोनों टॉर्क्स एक ही डायरेक्शन में है मतलब टॉर्क की डायरेक्शन सेम है तो आप दोनों टॉर्क्स को प्लस कर लेंगे टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू तो आपको क्या मिल जाएगा नेट टॉर्क एनईटी नेट टॉर्क अब एक काम ही करते हैं यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला चेक करते हैं हाँ भी टॉर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए तो आपने पढ़ा हुआ यहाँ पे टॉर्क का जो फॉमूला होता है वो होता है आ, आर क्रॉस एफ यानी कि फोर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ मूवमेंट आर्म के साथ मूवमेंट आर्म अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इस डायग्राम में समझा दूं वो चीज़ ये कि देखो कॉयल का एरिया है ये देखो ये पूरा का पूरा कॉयल का एरिया है एरिया बनता है दो चीज़ों से कॉयल की लेंथ ये कॉयल की लेंथ है और ये कॉल की वेड है तो जनाब यहां पर मैं बना देता हूं आपके सामने ये जो पोर्शन आ रहा है हमारे पास कॉयल का इसको हम कह देते हैं ऑफ ऑफ द द सॉरी लेंथ ये वाला पोर्शन ये ये कॉल की क्या है ये कॉल की लेंथ है और ये जो पोर्शन आ रहा है इसको हम कह देते हैं विथ ऑफ द ये 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 वाला portion, ये वाला पोर्शन ये आ गया विथ ऑफ द कॉयल ठीक है इसका मतलब अगर मैंने आपको ऊपर वाला साइड दिखाया यानी कि डब्ल्यू से लेकर एक्स तक यह क्या है कॉल की वेथ तो देखो डब्ल्यू से लेकर एक्स तक ये क्या हो जाएगी कॉयल की वेथ बी ये मैं बात कर रहा हूं बी की ये आ गया ठीक है एक दफा चेक कर लेता हूं कि आपके फ्रेम में से कट तो नहीं हो रहा ठीक है ओके इसको हमने क्या दिया ऑफ़ कॉल लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का मतलब अपलोड किया कि टॉर्क वन की बात कर रहा हूं तो फॉर्मुला क्या बनेगा आर इन एफ वन यानी कि जो आर होगा एफ वन से लेकर सिर्फ एक्सिस तक का डिस्टेंस होगा तो अगर यहां से लेकर यहां तक बी है कंप्लीट तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा हाफ बी तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा तो इसका इसको मल्टीप्लाई कर दो एफ वन से तो मूवमेंट आर इंटू एफ वन तो क्या बनेगा भाई ये बनेगा ब्लू से लिख देता हूं ये बनेगा बी बाय टू इंटू एफ वन और इसी तरीके से अगर मैं टॉर्क टू की बात करूं तो ये देखो इसका मूवमेंट आर्म यह बनेगा तो क्योंकि यह भी हाफ है तो इसका भी मूवमेंट आर्म क्या बन रहा है बी बाई टू तो मैं यहां पर लिखूंगा बी बाई टू इन टू और ये वाली फोर्स कौन सी है यह आ गया एफ टू तो देखें टॉर्क का फॉर्मुला लिखा हुआ आपके सामने टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर इंटू फोर्स मूवमेंट आर इंटू फोर्स तो टॉर्क वन एफ वन की वजह से टॉर्क टू एफ टू की वजह से अब हमें करना क्या है इस टॉर्क वन की जगह पे ये वाला फॉर्मुला पुट करना है और इस टॉर्क टू की जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर, कर पुट? हाँ पुट कर देते हैं पुट जी हाँ बिल्कुल पुट कर देते हैं यहां पर चले जनाब तो नेट टॉर्क नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू बी बाय टू इंटू एफ वन प्लस बी बाय टू इंटू एफ टू ऐसा है

मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो आप इसको कॉमन निकालेंगे एफ कॉमन आ जाएगा बाकी बी बाय टू को प्लस कर लेंगे बी बाय टू से तो अगर मैं बी अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू करूं तो ये क्या बन जाएगा सिर्फ बी के बराबर आ जाएगा मतलब हाफ विथ प्लस हाफ विथ ये बन जाएगी कंप्लीट विथ यानी कि सिर्फ बी बचेगा क्या बोल रहा हूं मैं एफ को कॉमन निकाला एफ एक दफा लिखेंगे और बी बाय टू प्लस बी बाय टू यह क्या बनेगा बी इन एफ तो यहां पर लिख देते हैं तो जनाब नेट टॉर्क बराबर होगा बी इंटू एफ के ठीक है मतलब क्रॉस लगा दो पहले लगाना चाहो बीच में क्या आ जाएगा बी इंटू एफ के यहां तक बात क्लियर है आगे चलते हैं अच्छा अब अब हमें एक फॉर्मुला पुट करना है वहां पर इस चीज का फोर्स का ये फोर्स कौन सी है ये फोर्स है, है? मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है ये एफ वन कौन सी ये F1 थी इस कंडक्टर पर फोर्स जो लग रही है ये F2 क्या है ये भी है भी कंडक्टर वाली फोर्स तो इन वाली फोर्स को हम क्या बोलते करने जा रहे हैं इस एफ का फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं जो कि हमने क्या पढ़ा था पर लिख देता हूं हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा ठीक है तो जनाब ये फॉर्मला हम पुट करने जा रहे हैं तो देखिए फॉर्मला क्या बनने जा रहा है टॉर्क यानी कि नेट टॉर्क अच्छा ये नेट लिखो ना लिखो एक ही बात है खैर सो बी इन एफ का फॉर्मला क्या पुट हमने लेंथ एंड थीटा ठीक है अच्छा अब नोट करें अगर मल्टीप्लाई है जहर सी बात है तो हम इनको सारे फैक्टर्स को एक साथ लिख देते हैं तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी बी

तो नेट टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा आई ए बी एंड साइन थीटा ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मुला बन गया सबसे पहला फॉर्मूला जिसमें साइन थीटा आ रहा है ठीक है अच्छा एक चीज यहां पर और ऐड कर देते हैं वो ये जब भी हम कॉइल को प्रैक्टिकल कॉइल को डिस्कस करते हैं ना जैसे मैंने यहां पर ये जो आपके सामने एक प्रैक्टिकल कॉइल दिखाई थी इसमें देखो ये एक टर्न है बस मैंने एक एक वायर लिया हुआ वा है उसी एक वायर को सिर्फ एक टर्न की फॉर्म में कॉइल बना दी लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कॉइल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल कॉल में सिर्फ एक टर्न नहीं होता एक से ज्यादा टर्न होते हैं ये दो भी हो सकते हैं ये पांच भी हो सकते हैं मतलब एक दो तीन चार पांच आपने पांच दफा वायर लिया और पांच दफा वायर को ऐसे घुमा दिया टर्न कर दिए तो अगर एक टर्न है तो हमारे पास फॉर्मुला यही है आई ए बी साइन थीटा लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स टर्न फाइव हंड्रेड टर्न हंड्रेड टर्न थाउजेंड टर्न है तो यहां पर एक फैक्टर एड कर देंगे वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न यानी कि कैपिटल एन तो फॉर नंबर ऑफ टर्नस फॉर एन नंबर ऑफ टर्नस फॉर एन नंबर ऑफ टर्न हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला सिर्फ इसके अंदर एन इंक्लूड कर दें नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई ए एन बी एन साइन ठीटा आई ए एन बी एन साइन ठीटा समझ आई बात तो जनाब यह हमारे पास फॉर्मुला बन गया टॉर्क को कैलकुलेट करने का ऐसा फॉर्मुला जिसके अंदर फिलहाल अभी साइन ठीटा आ रहा है अभी कॉसिटा वाला नहीं

करंट फ्लोइंग इन द कॉइल जो करंट फ्लो कर रहा है ए फॉर एरिया ऑफ द कॉइल एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं चलो आई फॉर आई का मतलब है करंट करंट अच्छा यहां पर जो ए आ रहा है ए का मतलब एरिया ऑफ द कॉइल एरिया ऑफ कॉइल यहां पर जो एन आ रहा है एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और अब फाइनली सबसे लास्ट में यह पॉइंट लिखूंगा पहले चेक कर लू क्या मैं नीचे लिख सकता हूं जगह है uh, हां जगह है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ठीटा के बारे में कि ठीटा यहां पर एंगल किसके दरमियान है ठीटा uh, इज इसको नोट कर लेना इज द एंगल बिटवीन ठीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन बिटवीन द डायरेक्शन मैं आपको इसको क्लियर करूंगा एक साथ बाद में कॉस थीटा और साइन थीटा की जब दोनों को डिफरेंस बता रहा कि इन दोनों थीटा में क्या डिफरेंस है उसमें एक साथ डिस्कस करूंगा एक साथ क्लियर कर दूंगा फिलहाल नोट कर लो इसको थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो जनाब अगर थीटा साइन के साथ है साइन फंक्शन के साथ है तो इधर थीटा का इधर एंगल का मतलब ये होगा हमेशा लाजमी होगा क्या लिखा हुआ है ठीटा इज द एंगल किसके दरमियान बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एरिया अभी क्लियर करूंगा आगे डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड तो साइन थीटा वाला जो थीटा होगा ये एंगल होगा डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन और फील्ड के दरमियान ठीक है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा फिलहाल यहां तक नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं Uh, हर चीज अपनी जगह पे मौजूद है सिर्फ हम डेरिवेशन दूसरी कर रहे हैं यानी कि सेकंड मेथड कर रहे हैं डेरिवेशन का जिसमें कॉस्ट ठीक आता है ठीक है ना दोनों डेरिवेशन आपको मैं क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कोर्स के मुताबिक सिलेबस के मुताबिक जो आपके सिलेबस में मैंशन हुई हुई है वही ये दो डायरीवेशन होंगी इसके अलावा कोई दू, दूसरी डायरीवेशन मतलब थर्ड कोई डायरीवेशन नहीं होगी या तो फर्स्ट जो अभी मैंने रब की है या तो वही होगी या जो अब मैं करवाने जा रहा हूं ये डेरिवेशन होगी तो आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन हो आप उसको यहां से पिक करके आप उसकी प्रैक्टिस करके अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं चलें खैर आगे चलते हैं देखो ये रहा मैंने डायग्राम बनाई हुई है ये रही फील्ड और ये रही कॉइल ये कॉइल का मैंने ये वाला फेस नहीं दिखाया हुआ मतलब ये कॉइल का इस बार मैंने ये वाला फेस दिखाया हुआ है ठीक है ना जैसे वही अगर मैंने कॉइल को ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे तो ये कॉइल की वो फेस वो डायग्राम है जो ये बनी हुई है लेकिन अगर मैं इस कॉइल का ये वाला व्यू दिखाऊँ आपको ये वाला ऐसे करके तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये सिर्फ मुझे एक लाइन नजर आ रही है एक साइड नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये कॉइल का ये वाला व्यू है अब देखो इस साइड पर फोर्स कहां पर है इन टू इधर तो अगर मैं इसको ऐसा रख दूंगा तो अब फोर्स कहां पर है ऐसे ऊपर की तरफ तो ये देखो इस साइड पर फोर्स कहां लग रही है अपवर्ड तो अगर एक साइड पर फोर्स अपवर्ड लग रही है तो दूसरी साइड पर फोर्स कहां लग रही है डाउनवर्ड मतलब ये इस बार कॉइल ऐसे रोटेट करेगी है ना इस वाली साइड पर फोर्स अपवर्ड और इस पर डाउनवर्ड तो इसका मतलब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो फिलहाल ये इनिशियल पॉइंट ऐसा रखा हुआ है ये इसकी इनिशियल पोजिशन है विदाउट एनी रोटेशन अब एक काम ये करते हैं हम दूसरी डायग्राम बनाएंगे इसके बराबर में जिसमें हम कॉयल को रोटेट होता हुआ दिखाएंगे थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऐसे नहीं पूरा घुमा दिया हम थोड़ा सा रोटेशन करके दिखाएंगे इसका मतलब अभी ये वाली डायग्राम मैंने आपके सामने ये बनाई हुई है अब एक और डायग्राम इसके बराबर में बना रहा हूं और वो कुछ ऐसे होगी ऐसे बनाएंगे तो चले बना, बनाते हैं स्टार्ट करते हैं ये देखें आ, अभी फिलहाल ये कॉयल ऐसे रखी हुई थी और इमेजिन करते हैं कि अब ये कॉल ऐसे थोड़ी सी रोटेट हो गई टिल्ट हो गई मतलब ये रोटेट हो गई ठीक है ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अच्छा रोटेट हो गई लेकिन फील्ड तो ऐसी रहेगी अभी भी ये रही फील्ड फील्ड किस तरफ है राइट वर्ड अच्छा इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो कहां की तरफ लग रही है कहावर्ड यह आगे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड और इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है डाउनवर्ड यह आगे फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड ये एफ है और ये भी क्या है ये भी एफ है चलो वो फील्ड कंप्लीट करते हैं ये देखो फील्ड राइट वर्ड फील्ड राइट वर्ड राइट वर्ड फील्ड कहां पर है ये आ गई राइट वर्ड ऐसा है अच्छा अब आप नोट करें कि ये तो थी ऑफ द कॉइल को बताया था ये एक्स वाला साइड है इसको हमने कहा था ऑफ द कोईल अच्छा ये अगर मैं चेक करूं ये एक फोर्स से लेकर दूसरी फोर्स तक का ये कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस क्योंकि अगर आपको याद हो Uh, जब हम uh, टॉर्क पढ़ते हैं टॉर्क में आर क्रॉस एफ होता है ये देखो ये होता है ना ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आप इसको डिटेल में देख लेना टॉर्क वाले टॉपिक में डिटेल में देख लेना मैंने पढ़ाया हुआ है हम क्या बोलते हैं आर इंटू एफ ये आर क्या होता है मूवमेंट आर और इस मूवमेंट आर को हम क्या बोलते हैं ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहां पर फोर्स लग रही है और वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का और अगर दो फोर्सेज हैं तो एक फोर्स से लेकर दूसरे फोर्स तक का डिस्टेंस तो इट इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स इंटू फोर्स तो भाई अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये देखो ये फोर्स है ये, का ये, वाला point, ये 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 फोर्स का वाला वाला पॉइंट पॉइंट ठीक है इस पॉइंट से लेकर यानी कि फोर्स यहां लग रही है इस पॉइंट पर लग रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट यानी कि इस फोर्स से लेकर इस फोर्स तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स तो इसका मतलब हम जो फॉर्म अब फॉर्मुला जो दूसरा वाला यूज करने जा रहे हैं कपल का ये कपल है टॉर्क ड्यू टू कपल

इसकी बात कर रहे हैं इन टू फोर्स और फोर्स मतलब कलेक्टिवली कलेक्टिवली मतलब फोर्स कितनी लग रही है फाइव न्यूटन तो फाइव प्लस फाइव टेन न्यूटन ऐसे करके अच्छा अब देखते हैं यहां पर भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से यहां से लेकर तक वाला ये 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 वाला ये वाला इस डिस्टेंस का नाम क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायग्राम के अंदर तो भाई देखो ये जो कॉइल है ये फील्ड के साथ अब किसी ना किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई है पहले ये थी अलोंग द फील्ड ऐसे रखी हुई थी पैरेलल कोई एंगल नहीं था

तो इसका मतलब यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है बी कॉसा तो जनाब मैं कहा में करता हूं? इसको इधर ही लिख देता हूं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है बी कॉस बी कॉस अब इस, अब यूज करते हैं फॉर्मूला टॉर्क का सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज गिवन बाय टॉर्क यानी कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज टॉर्क मतलब यहां पर कपल इस बार हम टॉर्क ड्यू टू कपल डिस्कस कर रहे हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन टू फोर्स इन टू फोर्स यह बन गया टॉर्क का फॉर्मूला अब इनके फॉर्मूला पुट करते हैं फॉर्मूला कैसे हाँ भाई हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला हुआ बी कॉस्टीटा इट इज द प्रोजेक्शन इस विद्थ की प्रोजेक्शन यह है बी कॉस्टीटा टू हाँ फोर्स का फॉर्मुला क्या होता है आई एल बी है ना आई एल बी कंडक्टर पर फोर्स ये फोर्स कौन सी है जो कंडक्टर पर लग रही है और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आई एल बी हम पढ़ चुके हैं तो यहां पर इस फोर्स की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा आई एल एन स्मॉल नहीं स्मॉल नहीं बल्कि पर आता है बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कैपिटल बी ठीक है इनको मर्ज करके लिख देते हैं तो मर्ज करके कैसे लिखोगे आप लिखोगे सर आई एल Uh, B, कैपिटल B, एंड कॉस थीटा डन यहां तक बात क्लियर है वही वाली बात लेंथ इनटू विड्थ किसके बराबर होती है एरिया के अभी बताया मैंने आपको तो ये क्या बन जाएगा I, a, B, एंड कॉस थीटा कभी कभी अल्फा लिखा होता है बुक्स में अल्फा का मतलब थीटा ही है है ना एक ही बात है तो अल्फा लिखना चाहो तो यहां पर अल्फा लिख देना मैंने थीटा लिखा हुआ है ओके फॉर्मला बन चुका है बस एक चीज इंक्लूड करनी है वही वाली बात कि अगर एक टर्न है तो ये वाला फॉर्मूला सही है और अगर नंबर ऑफ टर्स है तो आपको यहां पर एन इंक्लूड करना है तो एन इंक्लूड कर देते हैं आई ए एन बी एन कॉस थीटा वही बता रहा हूं एल्फा लिखा हो तो एल्फा लिख दिएगा कोई शून्य है ये वही वाला फॉर्मला बन जाएगा आपके पास तो यहां पर जो एल लेंथ इंटूवेट थी ये किसका फॉर्मूला होता है एरिया का ये नोट कर लेना तो जनाब ये बन गया हमारे पास दूसरा फॉर्मला यानी कि दूसरी डायरीवेशन तो एक डायरीवेशन वो थी जिसमें साइन थीटा मौजूद था और एक derivation ये रही जिसमें हमारे पास कॉस्टिटा मौजूद है तो इन दोनों को मतलब वो तो नोट कर लिया हो गया आपने इसको नोट कर लो फिर हम इन दोनों फॉर्मुला में डिस्कस करते हैं कि फर्क क्या है साइन थीटा और थीटा में कि डिफरेंस क्या होना चाहिए सबसे पहले पहले एक काम ही पहले थीटा के बारे में लिख लो एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड Field. यहां पर जो है, किसके है? किसके? एंग वहां पर मैंने क्या किया था? एरिया एंग डायरेक्शन है अगर कॉज के साथ आएगा तो हम बोलेंगे फिलहाल नोट करो फिर तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करके बताता हूं आपको अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रही है इसको गौर से सुनना गौर से सुनिएगा अगर आपको यह समझना है कि इस वाले और क्या फर्क है यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूँ कॉयल की कहानी क्या है भाई इमेजिन करो ये कोयल है वो मैंने प्रैक्टिकल कॉल जो थी वो छोड़ दी क्योंकि उसका बेसिकली मैं आपको एरिया नहीं बता पाता वो बीच में से खाली थी है ना ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोयल है है ना अगर मैं इसको ऐसे रखा हुआ तो मैं कहूँगा दिस इज द प्लेन ऑफ द कोयल ये कॉयल का प्लेन है प्लेन एरिया ऑफ द कोयल ये प्लेन है है ना अच्छा अगर मैंने इस प्लेन को ऐसे रखा हुआ है तो मैं कहूंगा इस कॉयल के इस एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है ऐसे परपेंडिकुलर अगर ये एरिया खुद ऐसे हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ होगा एरिया खुद ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ होगा तो इस एरिया की डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल होगी अगर एरिया खुद हॉरिजॉन्टल तो उसकी एरिया की डायरेक्शन वर्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर ये बात क्लियर है अगर मैं इस एरिया को खुद को परपेंडिकुलर ऐसे कर दूं वर्टिकल कर दूं बाई एक्सिस पर तो इस एरिया की डायरेक्शन इस बार कहां हो जाएगी इस तरफ क्योंकि एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है उस एरिया के परपेंडिकुलर तो अगर यूं है तो ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे है तो इस तरफ परपेंडिकुलर इसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन यहां तक बात क्लियर है अच्छा जब हम कॉस थीटा की बात करते हैं कॉस फंक्शन के साथ जो थीटा होता है ना इस थीटा का मतलब होता है प्लेन और फील्ड के बीच का एंगल मतलब ये प्लेन एरिया कैसे रखा हुआ है प्लेन और फील्ड के बीच का एंगल जैसे लेट सपोज इमेजिन करना इस, इस तो कर तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है तो फील कैसे लेना ऐसे जा रही है और ये कॉल मतलब right, right, मतलब तो भी ऐसे ही रखी हुई मतलब फील खुद भी हॉरिजॉन्टल और कॉयल भी हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो मैं कहूंगा कॉइल का प्लेन और फील्ड आपस में क्या पैरेलल हो होगा मतलब फील्ड ऐसे जा रही है इसको देखो ऐसे जा रही है ना तो अगर मैं इस कॉइल के प्लेन और फील्ड की एंगल की बात करूंगा तो मैं हमेशा यूज करूंगा कॉस थीटा ये मैं आपको वर्ड्स में लिखवा चुका हूं प्लेन ऑफ द कॉइल एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये प्लेन है ये ऐसे रखा हुआ है और फील्ड ऐसे जा रही है मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी कैसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ये दोनों आपस में क्या होगा ये हो गए पैरेलल अच्छा दूसरा साइन थीटा क्या होता है यानी कि साइन के साथ जो थीटा आ रहा है इस एंगल का मतलब क्या होगा ये होता है प्लेन का डायरेक्शन प्लेन की डायरेक्शन यानी कि एरिया की डायरेक्शन और फील्ड के बीच में दरमियान एंगल मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्लेन खुद हॉरिजॉन्टल होगा तो उसकी फील्ड क्या होगी वर्टिकल ये बताया ना मैंने आपको तो अगर प्लेन में ऐसे रखूंगा यानी कि अगर फील फील तो हमेशा ऐसी रहेगी इसको इमेजिन कर लो फील ऐसे ही है अगर मैं कॉयल को ऐसे रख दूंगा यानी कि उसका प्लेन हॉर्जोंटल होगा तो मैं कहूंगा इसके एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर यानी कि एरिया की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड जा रही है और पैरल कौन है फील्ड ऐसे पैरल है मतलब फील्ड पैरल हो गई और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई तो अगर साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन में आप क्या बोलते हैं एरिया की डायरेक्शन और फील्ड का एंगल एरिया की डायरेक्शन और फील्ड का एंगल और कॉस्ट थीटा का मतलब क्या होगा खुद प्लेन प्लेन ये प्लेन कैसा रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखा हुआ है तो ये प्लेन तो कॉस्ट थीटा का मतलब प्लेन और फेल का एंगल चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब होगा दोनों को प्रूफ करवा देता तो हूं मैं दोनो, दोनों दोनों फॉर्मूला से एक ही आंसर आएगा अब सुने मेरी बात पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क कॉस्ट थीटा को पहले डिस्कस करते हैं भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए एन एंड थीटा मैं मुझे मैक्सिमम चाहिए मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए वन

यानी कि आई बी ए एन कॉस थीटा वाला फॉर्मूला इसके बराबर आ जाएगा क्योंकि कॉस जीरो डिग्री बराबर हो जाएगा वन के जीरो डिग्री क्यों आ रहा है थीटा जीरो डिग्री क्यों है क्योंकि प्लेन प्लेन और फील्ड के बीच में एंगल क्या हो गया पैरल यानी कि जीरो अच्छा इसी को साइन थीटा से प्रूव करते हैं रहेगा ये ऐसे ही क्योंकि अब साइन थीटा है तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है नाइन्टी डिग्री पे तो अब ये चेक करते हैं क्या इसी कंडीशन में नाइनटी डिग्री भी हो रहा है बिल्कुल हो रहा है तो देखो अगर ये खुद पैरल होगा यानी कि कॉइल का प्लेन जो है ये खुद पैरल होगा फील्ड के तो इसकी डायरेक्शन का है अपवर्ड अभी बताया ना तो डायरेक्शन और फील्ड अब क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर तो देखो एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड और फील्ड का है राइट वर्ड तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर में एंगल क्या होता है 90 तो इस कंडीशन में दोनों फार्मूला से आपने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई कॉस थीटा वाले फॉर्मुले से भी मैक्सिमम आ रहा है और साइन थीटा वाले फॉर्मले से भी मैक्सिमम आ रहा है तो अगर कॉयल को खुद को लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं मैक्सिमम वाली कंडीशन अगर कॉल खुद पैरल होगी इसका प्लेन खुद पैरल होगा तो इनडायरेक्टली एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये दोनों फार्मूला पैरल होने की वजह से ये वाला भी मैक्सिमम हो जाएगा और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये वाला फार्मूला भी मैक्सिमम हो जाएगा ये है कहानी किसकी कॉस्टीटा uh, की और साइन टीटा की इसको नोट कर लो अच्छा वो डायग्राम ये बनी हुई है मैं आपको समझा रहा था ना अगर मैं बनाना कि चाहूट सपोज अगर मैंने इस कॉइल को ऐसे रखा हुआ है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपवर्ड ये आ गई इसकी एरिया की डायरेक्शन तो अब आप नोट कर लो कि ये खुद से प्लेन तो पैरल रखा हुआ है फील्ड के तो मैक्सिमम कॉस्ट सी डा वाला और इसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है ऐसे ऊपर है ऊपर है तो एरिया की डायरेक्शन और बी बी ये आपस में क्या हो गए ये हो गए परपेंडिकुलर तो ये वाली कंडीशन भी परपेंडिकुलर यानी कि मैक्सिमम हो गई इसको नोट कर लो सेकेंड कंडीशन आपको समझाता हूं मैं इस टॉपिक की एक लास, लास्ट लास्ट कंडीशन है वो है जीरो टॉर्क मैक्सिमम पढ़ा अब पढ़ते हैं जीरो टॉर्क और इस जीरो को भी हम इन दोनों फार्मूला से प्रूव करेंगे एक ही वक्त में ये दोनों फार्मूला आपको आंसर देंगे जीरो क्योंकि फार्मूला सेम है है एक ही टॉपिक का है. अच्छा इस बार कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है देखो मैंने आपके सामने दो डायग्राम्स बनाई हैं इमेजिन करो फील्ड अभी वही वैसे ही है इस तरफ है ऐसे जा रही है अच्छा अभी मैंने आपके सामने जो प्लेन है वो ऐसे रखा था ना हॉरिजोटल प्लेन फील्ड के हॉरिजोंटल था तो भी मैक्सिमम टॉर्क

वर्टिकल और फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है इस बार मैं कहूंगा कि प्लेन ऑफ द कॉइल और फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो जब प्लेन ऑफ द कॉइल और फील्ड का जिक्र होगा तो आप यूज करेंगे थीटा तो अगर हम चेक करें तो भाई फील्ड और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो आप यहां पर 90 डिग्री पुट करेंगे कॉस्ट 90 बराबर होता है जीरो के तो टॉर्क इस बार प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब अगर आपने इसको ऐसे रखा हुआ है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा जीरो टॉर्क होगा इसी तरीके से इसी कंडीशन में चेक करते हैं डायरेक्शन वाली बात जब प्लेन खुद फील्ड के पैरल है तो इस प्लेन का इस बार एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी यह बताया ना मैंने आपको एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होती है तो जब प्लेन खुद हॉर्जोंटल होगा तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर जब ये खुद परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन पैरल तो अब आप नोट करें कि इसकी डायरेक्शन उस तरफ है एरिया की डायरेक्शन उस तरफ है और फील्ड भी इस तरफ है तो एरिया की डायरेक्शन और फील्ड आपस में क्या हो गए पैरल तो जब पैरल हो जाएगा तो साइन फंक्शन भी क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि साइन जीरो डिग्री पैरल में जीरो डिग्री होता है साइन जीरो डिग्री किसके बराबर हो जाएगा जीरो के तो जनाब जब ये प्लेन खुद पैरल रखा हुआ सॉरी प्लेन खुद परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा तो इस कंडीशन में टॉर्क कॉस थीटा वाले फॉर्मुले से भी जीरो हो रहा है और जब ये ऐसे रखा हुआ होगा तो टॉर्क साइन थीटा साइन थीटा मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड फील्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड फील्ड आपस में पैरल हो गए तब भी इस वाले फॉर्मुले से आंसर आपका क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो ये देखो डायग्राम बनी हुई है ये ऐसे बनी हुई डायग्राम ये ऐसे रखा हुआ है और फील्ड इसको ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है इस कंडीशन में टॉर्क नहीं होगा या ये देखो ये मैंने इसको ऐसे करके रखा हुआ है इस वाली कंडीशन में ऐसे रखा हुआ है और डॉट्स बनाए डॉट्स डॉट्स का मतलब इस बार फील्ड है आउट ऐसे आउट की तरफ जा रही है फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है तो अगर ऐसा रखा हुआ हो और फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो तब भी इस कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो आसान से लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जब भी प्लेन खुद यानी कि एरिया खुद हॉरिजोंटल यानी कि एरिया खुद फील्ड के पैरेलल होगा तो इस कंडीशन में यानी कि फील्ड और एरिया आपस में पैरेलल होंगे तो इस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा और अगर ये ऐसे हो गया फील्ड के अक्रॉस आपने रख दिया इसको तो इस कंडीशन में टॉर्क जीरो हो जाएगा उम्मीद करता, तो करता हूं कि आपको ये टॉर्क वाला टॉपिक समझ आ गया होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर के बाद टॉर्क वाला टॉपिक था हमारा तो उम्मीद करता हूं कि आपको टॉर्क वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था बेसिक से स्टार्ट किया और इसके हमने दो डेरिवेशन करी हमने ये वाला फॉर्मला भी ड्राइव किया आई बी एन कॉस्टीटा अलग डेरिवेशन और हमने ये थीटा वाला फॉर्मला भी ड्राइव किया आई बी एन साइन ठीटा दोनों में आपको मैंने डिफ्रेंशेट भी बताया और दोनों को एक साथ प्रूव करके भी दिखाया कि अगर ये वाला मैक्सिमम होगा तो इससे भी आंसर मैक्सिमम ही आना है ऑटोमेटिकली अगर ये वाला इससे मिनिमम आ रहा है तो ये भी ये भी मिनिमम आएगा एट अ टाइम समझ आई बात तो ये थी कहानी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तो जनाब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी समझ आई तो लाइक करें शेयर करें वीडियो को शेयर करें कॉमेंट करें और अपना ख्याल रखिएगा मैं भी रखूँगा अपना ख्याल इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू